नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भोपाल से हमें मिल रही है जहां पर पटवारी भर्ती परीक्षा के विरोध में उतरे अभ्यर्थी। अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भोपाल पहुंचे हैं। अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। नियुक्तियों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। चीफ जस्टिस की निगरानी में SIT गठित करने की मांग भी इनकी तरफ से की जा रही है। भर्ती परीक्षा की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी मांग की जा रही है। तो पटवारी भर्ती परीक्षा के विरोध में अभ्यर्थी उतरे हैं। ये भोपाल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहां पर पहुंचे हुए हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। इन अभ्यर्थियों का आरोप है कि फर्जीवाड़ा किया गया है भर्ती में और इनकी तरफ से मांग की जा रही है कि नियुक्तियों को रद्द किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस की निगरानी में एक SIT गठित की जाए और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। भर्ती परीक्षा की जांच रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करने की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। ये पूरा मामला क्या है समझते हैं अपने सहयोगी आकाश द्विवेदी से, जो भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं और खुद अभ्यर्थियों के बीच में मौजूद हैं। आकाश, कहां से आए हैं ये अभ्यर्थी, क्या मांग इनकी तरफ से की जा रही है और किस तरह के फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहे हैं? देखिए, बहुचर्चित पटवारी भर्ती परीक्षा की दोबारा जांच कराए जाने की मांग ये अभ्यर्थी कर रहे हैं और ये प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से पहुंचे पटवारी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हैं। इनकी मांग है कि जो जांच रिपोर्ट है, क्योंकि भर्ती परीक्षा को क्लीन चिट मिल गई और उसके तहत अब नियुक्तियां शुरू हो गई, इसलिए मांग कर रहे हैं कि ऐसे क्लीन चिट जो मिली है उस रिपोर्ट को सार्वजनिक की जाए। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई है? इंदौर से आई। पटवारी भर्ती परीक्षा दी थी आपने? पटवारी भर्ती और बाकी उनके रिजल्ट उनके लिए आए सर, हम कॉन्स्टेबल के लिए भी आए। कॉन्स्टेबल एग्जाम दिया हमने जिनका 6 महीने एग्जाम भी दिया है जी सर। उसका रिजल्ट नहीं आया? रिजल्ट 6 महीने हो गए, हम 6 महीने से फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया। कॉन्स्टेबल की रिजल्ट 2 महीने से नहीं आया है और जो पटवारी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, आपने पटवारी भर्ती परीक्षा नहीं दी है सर? सर मेरे 135 नंबर आए, ओबीसी से सिलेक्शन नहीं। हम ये मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, यदि पैसा नहीं चला है तो जो टॉपर है पूनम रजावत नाम की लड़की, वो जिले पता नहीं उसको, वो राजधानी बताती दिल्ली मध्य प्रदेश की, जब छोटी सी बेसिक जानकारी नहीं तो टॉप कैसे कर सकते हैं? आपका सीधा आरोप है कि फर्जीवाड़ा हुआ है? फर्जीवाड़ा 100% हुआ है। यदि फर्जीवाड़ा नहीं होता तो शिवराज सिंह जी जांच के आदेश क्यों देते? उन्होंने जांच के आदेश इसीलिए दिए, उन्होंने भी माना। क्या है आप लोग? सर हमारी मांग ये है कि यदि फर्जीवाड़ा हुआ है तो दोबारा परीक्षा हो जाए और जो फर्जीवाड़ा किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाए। ये इंदौर भोपाल समेत अलग अलग जिलों के जो अभ्यर्थी हैं उनकी तस्वीरें हैं, हाथों में पोस्टर है कि महिला पर्यवेक्षक, लेबर इंस्पेक्टर और मंडी इंस्पेक्टर वाले पदों पर भी भर्ती निकाली जाए। जो SI की परीक्षा है की रिजल्ट रुके वो जारी हो। आप कहां से आए? मैं रीवा से आया हूं सर। पटवारी भर्ती परीक्षा में शामिल थे? शामिल था सर। क्या हुआ, नियुक्ति नहीं? नियुक्ति नहीं है उसमें सर, फर्जीवाड़ा हुआ है साफ साफ नजर आ रहा है। जिन टॉपर का इंटरव्यू हुआ है उनसे मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं पता कितनी है, मध्य प्रदेश की जिले नहीं पता कितने हैं, वो कैसे टॉपर बन गए? मैं ओपन चैलेंज करता हूँ। टॉपर कहाँ से आए? टॉपर किस कॉलेज के? टॉपर ग्वालियर कॉलेज के, NRI कॉलेज से, ग्वालियर से NRI कॉलेज। ये कॉलेज बहुत संदिग्ध रहा है। उस वक्त संजीव कुशवाहा जो भाजपा के विधायक थे और उनका कॉलेज, इसी कॉलेज से टॉप 10 की सूची निकलती जिस पर भारी विवाद खड़ा हुआ। सरकार ने आनन फानन में जांच के निर्देश दिए, जांच हुई लेकिन जांच रिपोर्ट में क्या सामने आया अब तक किसी को नहीं पता है। इसीलिए अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के साथ साथ ही चीफ जस्टिस की निगरानी में एक SIT की गठन किया जाए जो इस भर्ती परीक्षा की दोबारा जांच करे और जो नियुक्तियां चल रही हैं फिलहाल उसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। और ये इसके अलावा 15 लाख नौकरी देने और जो अभी भर्ती परीक्षा चल रही है OBC आरक्षण का मुद्दा जो है उसको लेकर के 17 और 13% के फॉर्मूले को बंद करना चाहिए, यानी कि 100% रिजल्ट जारी हो। अभी क्या हुआ है, 13% पद होल्ड पर हो जा रहे हैं क्योंकि पटवारी भर्ती परीक्षा के साथ साथ जो अन्य परीक्षाएं हैं उनमें OBC आरक्षण को लेकर पेच फंस रहा है और OBC आरक्षण का मुद्दा हल करने की मांग भी इन अभ्यर्थियों की है। इसके साथ साथ जो अन्य परीक्षाएं रुकी हुई हैं उसके भी रिजल्ट जारी करने की मांग है। तस्वीरें देखेंगे आप तो नारेबाजी हो रही है और फर्जीवाड़ा बंद करने की मांग की जा रही है। आप कहां से आए, किस जिले से आए? विदिशा। विदिशा से आए, किस परीक्षा में आप शामिल रहे? अभी मैंने पटवारी परीक्षा भी दी थी, उसमें 130 नंबर आए थे, फर्जीवाड़ा के चलते मेरा चयन नहीं हो पाया। हाँ, फर्जीवाड़ा के चलते इनका चयन नहीं हो पाया। मैम आप कहां से आई हैं? मैं इंदौर से आई हूं। किस परीक्षा में आप शामिल थी? मैं कॉन्स्टेबल में भी और पटवारी में, पेपर पटवारी में फर्जीवाड़ा हो गया है, अभी उसका सोल्यूशन चाहिए हमको। मांग क्या है, क्या चाहते हैं? कि उसका जो है ना अभी सामने ही वो करे, CBI जांच करे और रिपोर्ट सामने दिखाए सभी के सामने।
जो जांच रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की जाए, सबके सामने जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के साथ साथ ही दोबारा जांच करने की मांग भी ये अलग अलग जिलों से आए अभ्यर्थी कर रहे हैं। और ये भर्ती परीक्षा विवादों में रही, फर्जीवाड़े के आरोप लगे, तत्कालीन सरकार ने जांच के निर्देश दिए और रिपोर्ट मांगी, लेकिन रिपोर्ट कब आई? अब हाल में रिपोर्ट आती है जांच परीक्षा की और रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पाती है, सीधे एक आदेश सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मनु जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि नियुक्तियां दी जाएं और ये अभ्यर्थी वो हैं जो इस परीक्षा में चयनित नहीं हो पाए, फर्जीवाड़े का आरोप ये लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है आकाश, आपके जरिए हम लगातार इनकी मांगों को उठाते रहेंगे, बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो 8,000 से ज्यादा अभ्यर्थी जो चयनित हुए हैं उनका ज्वाइनिंग लेटर दिए जाने का प्रोसेस चल रहा है और इसी बीच ये अभ्यर्थी यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।